बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चों, प्यारे बच्चों? आज जो है हम अपना इस्लामियात का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है परवरिश। यानी हम आप सल्लम की ज़िंदगी के बारे में पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हमने आप सल्लम के वालदैन के बारे में पढ़ा, उनके नाम हमने पढ़े, ठीक है। फिर उनकी वालदा की वफ़ात कब हुई, तो ये सारी बातें हमने पढ़ी। अभी जो है हम परवरिश के बारे में, आप सल्लम की परवरिश किस किस ने की, इसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे, ठीक है। तो सब बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 24 निकाल लीजिए, बोर्ड पर लिख रही हूँ मैं, साथ के साथ आपको पढ़ाऊँगी भी और आपको समझाती भी जाऊँगी, ठीक है। चलिए, तीसरी रात अली और मरियम फिर दादी जान के पास आए। ठीक है, इससे पहले आपको याद होगा कि एक रात आपकी दादी के पास अली और मरियम आए थे, तो उनके पास एक बहुत प्यारी सी किताब थी, जिसके बारे में उन्होंने अपनी दादी से पूछा, तो दादी जान ने बताया कि ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है। और फिर उन्होंने कहा था कि मैं जो है आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताऊँगी। फिर जब उन्होंने हुज़ूर सल्लम के बारे में बताया, कहाँ पैदा हुए, उनका क्या नाम था, कि उनका नाम मोहम्मद किसने रखा, तो सब बातें सुनकर बच्चों को बहुत मज़ा आया। फिर वो दूसरी रात फिर दादी के पास गए, ठीक है। तो फिर उन्होंने आप सल्लम के वालदैन के बारे में बताया दादी जान ने बच्चों को, तो अब बच्चों को मज़ा आने लग गया, और अब वो दादी जान के पास तीसरी रात भी दादी जान के पास आए। और फिर क्या हुआ, ज़ाहिर मकसद वही था कि वो जानना चाहते थे मज़ीद आप सल्लम के बारे में। तो दादी जान समझ गई, तो दादी जान ने कहा, दादी जान ने कहा, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, आज मैं आपको प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ और बातें बताती हूँ, ठीक है, सॉरी इसमें लिखा हुआ है सुनाती हूँ। ठीक है, तो फिर उन्हें क्या बोला, प्यारे बच्चों, अपनी दादी जान ही बोल रही हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की परवरिश पर वरिश पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमना ने की। ठीक है, चंद महीने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की परवरिश में रहे। ठीक है, तो ये आज का इतना काफ़ी है। तो इसमें बताया दादी जान ने कि आप सल्लम ज़ाहिर है जब पैदा हुए तो फिर सबसे पहले आप सल्लम अपनी वालदा की गोद में आए और आपकी वालदा ने आपकी परवरिश की, लेकिन आप जो है अपनी वालदा के पास सिर्फ चंद महीने रहे, उसके बाद फिर क्या हुआ अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब अपनी कॉपीज़ निकाल लीजिए सब बच्चे, और उसके बाद जो है हम अपना क्लास वर्क और होमवर्क करते हैं। ठीक है, जी बच्चों, क्लास वर्क सबसे पहले पहला क्वेश्चन है खाली जगह पुर करें। ठीक है, पहली खाली जगह हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डैश ने की। जी, तो किसने की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश सबसे पहले? बिल्कुल सही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने की। ठीक है, दूसरी ब्लैंक, दूसरी ब्लैंक है आप सल्लम डैश महीने वालिदा की परवरिश में रहे। कितने महीने रहे थे? जी, चंद महीने, आप यहाँ लिखेंगे चंद महीने। क्वेश्चन नंबर टू, एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज आज हमारा एक ही एमसीक्यूज है। ठीक है, क्लास वर्क बहुत थोड़ा सा है, चैप्टर छोटा सा था, इसलिए डैश रात अली और मरियम फिर दादी जान के पास आए। ठीक है, तो कौन सी रात थी ये? पहली, सॉरी,
दूसरी, तीसरी या चौथी? ठीक है, कौन सी रात थी बताइए? तीसरी रात। ठीक है, अब ये आप खुद फिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्लास वर्क कंप्लीट हो गया है। आप अपनी वीडियो को रोकिए और फिर अपना क्लास वर्क उतारिए। ठीक है, अब जो है आ जाइए होमवर्क की तरफ। आज का होमवर्क क्या है? सिर्फ एक सवाल है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश सबसे पहले किसने की? ठीक है, इसका आंसर लिखना है। और फिर क्या करना है? एक और काम है आपका होमवर्क में। आपने आज का जो हमने पढ़ाया है बोर्ड पर लिखकर, आज का पैराग्राफ, उसको दो मरतबा उसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, आज के पैराग्राफ की दो बार रीडिंग करनी है। ठीक है बच्चों, समझ आ गया आपको अच्छी तरह से? तो ये था आपका होमवर्क, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।